सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मुंह धोकर एकदम रेडी हो चुके हैं स्ट्रीम। उससे ब्लॉग एडिट करूं और रील्स वगैरह एडिट करनी शुरू करूं, ठीक है? तो अपन एडिटिंग वगैरह भी सीखेंगे, मोटे को भी सिखाएंगे आज। तो आज फन मस्ती होने वाली है बस इसी पे, बाकी देखते हैं आज पूरे दिन में क्या करते हैं। वसील गाँव गया हुआ है, आ गया होगा या नहीं मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने कॉल वगैरह नहीं करी। तो आज देखते हैं पूरे दिन में क्या होता है। चलो गाइज फटाफट पहले स्ट्रीम कर लेते हैं, फिर उसका नाश्ता करने चलते हैं। सो गाइज अभी स्ट्रीम करके फ्री हो चुके हैं, स्ट्रीम कर लिया है, आ गया हमारा नाश्ता। तो अभी नाश्ता खाते हैं भाई, 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे नाश्ता हो रहा है। तो सोचो अब लंच कितने बजे होगा, फिर उसके बाद मोटे को बुलाएंगे, बाहर कहीं जाएंगे। वसील अभी भी गांव में, मैंने कॉल करके पूछा तो वो आएगा परसों। तो देखते हैं आज क्या करते हैं यार पूरे दिन, मेरे को लग रहा है बोर ना हो जाए यार, बाकी देखेंगे। चलो यार घूमते रहेंगे, फिर घूमने चले जाएंगे कहीं अगर बोर होंगे तो, ठीक है? तो चलो नाश्ता कर लेते हैं फटाफट, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज। सो गाइस सुबह से अपन कहीं पर भी नहीं गए थे, अभी जस्ट स्ट्रीम खत्म कर गया। जिसको देखो एडिटिंग सिखा रहे हैं अपन। हाँ भाई भाई, क्या हाल चाल है गाइस? गाली लिख दो इसको, जितनी माफ है इनकी, जितनी गाली आती है ना सारी गाली इसको पको कमेंट। उसका 1% इसको भी दे देना। मेरे को 1% नहीं, तुमको पता है मेरे को गाली देने का क्या फायदा है। लेट इसने करवाया, टाइम देखो, ये देखो टाइम इतना हो रहा है, अब 9 बजे हम बाहर जा रहे हैं। तो क्या व्लॉग बना, दिन में कुछ भी व्लॉग नहीं आना। मजदूर है ना ये, काम कर रहा था, पुताई कर रहा था घर पे। भाई पुताई वुताई नहीं कर रहा था घर का, क्या काम कर रहा था? उधर कर रहा था भाई, तो हटा हुआ था। और फिर क्या करा तूने? तेरे पास आया। कितने बजे आया मेरे पास? क्या करा तूने आकर मेरे पास आकर, क्या करा है तूने? इसकी लाइव देखी थोड़ा बहुत, चूतिया है इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अपन चलते हैं सीधा, चलते हैं वसील को लेने, फिर कुछ खाने जाएंगे, या पहले कुछ खाने चलते हैं फिर वसील को लेकर आएंगे, ठीक है? अब बाहर अब निकल रहा हूँ मैं, सोचो पूरे दिन में। सो गाइस हम जा रहे हैं, अब वसील को लेने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पहले खाने जा रहे हैं भाई, भाई को भूख लग रही है कुछ, हाँ दोपहर से कुछ खाया नहीं है भाई ने, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने। गाइस मैंने इसको लंड को एक काम दिया, अब देखते हैं कितना काम कर पाया। चलो गाइस मैं तुम्हें उसके ऊपर एक रिजल्ट जल्दी दिखाता हूँ, जल्दी दिखाता हूँ। शाम को रोज गाइज इस चैनल पे शाम को रोज 8 बजे एक शॉर्ट आया करेगा, और वो शॉर्ट एडिट करेगा बल्लू। एडिटिंग देखना कैसी है, ठीक है? रिलेटेबल रह करेगा, रोज तो नहीं आएगा, 2-3 दिन में या जब हमको लगे करेगा कि हाँ व्लॉग में भाई याला शॉर्ट निकल जाएगा, याला बढ़िया जाएगा, तो उस वक्त आया करेगा। और भाई अभी तुम्हें बता दूं यार, एडिटिंग वगैरह इतनी खास आती नहीं है, और ट्राई कर रहे हैं अपन, देखते हैं एडिटिंग वगैरह कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, बढ़िया बाकी देखते हैं। बढ़िया रिलेटेबल शॉर्ट्स रहेगा, उसको चाहे तुम अपने इंस्टाग्राम पे डालो गाइस, मतलब वो क्लिप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे एक क्रेडिट दे देना कि हाँ रोमियो गेमर की क्लिप है ऐसे करके, या उस पे लिख देना ऐसे अपने ब्लॉग चैनल का या नाम दे देना। हाँ तो और भाई ध्यान अपनी तरफ से भी, तू बोल ले बहन के लड़े, पहले बोल ले, बोल ले तू, बोल मार जो भाई ब्लॉग में से, मतलब अपनी पसंदीदा भाई आप भी क्लिप्स वगैरह निकाल के हमें मेंशन कर दे करो कि यार हम भी ये एडिट करके इस पे शॉर्ट बना के, या आप भी हमें कुछ रील वगैरह बना के भेज दे करो क्लिप की, तो हम उसे भी शॉर्ट आउट दे दे करेंगे। क्यों भाई? भाई देखो जितने भी अपने भाई लोग हैं ना, आप लोग देखते हो, जितने भी फैन लोग हैं हमारे, भाई लोग हैं हमारे फैन पेजेस है, ठीक है? आप लोग बढ़िया रील्स एडिट करा करो, शॉर्ट्स में से निकाला करो, मतलब इसमें से वीडियो में से निकाला करो, रील्स निकाला करो, मैं उसको अपनी स्टोरी वगैरह हर जगह मेंशन करूंगा, ठीक है? अच्छा लगा तो उस बंदे के साथ मैं कोलैब पे भी डालूंगा वो रील, अगर मेरे को वो रील पसंद आई ना, यहाँ कोई भी रिलेटेबल रील्स, क्योंकि जिंदगी की इतनी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने ब्लॉग पे बताते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है? जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, फेस ऑफ कर चुका हूँ, आप आगे ना करो, तो वो चीज मैंने देखा है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं सुनने में, ठीक है? तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि अपन कुछ ऐसा बढ़िया सा, मतलब जो भी बोलते हैं उस चीज को आप निकालो, छोटी सी क्लिप बनाओ, डालो इंस्टा पे, भाई तुम्हारा भाई कॉलैब करेगा तुम्हारे साथ, और बताओ। चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे उस अकाउंट के 10 फॉलोअर्स हो, चाहे 10 लाख फॉलोअर्स हो, ठीक है? जितना भी फॉलोअर्स हो, अगर बढ़िया लगेगी हमको रील, तो पक्का मैं कॉलैब वाला रील डालूंगा उसको, मतलब अपने अकाउंट के साथ हो करके, ठीक है? तो बाइंड करके, तो प्लीज जाकर, और अगर देखो भाई हर किसी की मेहनत अपनी अपनी होती है, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो हाँ ऑब्वियसली बात है यार, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। मैं स्टोरी पे डाल दूंगा वीडियो, अगर नहीं मतलब लगता है मेरे को कि ये कॉलैब वाली नहीं है, तो अपन स्टोरी पे डाल देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना भाई, ठीक है गाइस? चलो चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं खाने गाइस, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज्यादा तेज।
तो भाई हमें यहाँ पे खड़े खड़े लगभग भी हो गए हैं 20-25 मिनट हो गए हैं। तो भाई को मैं बोल भी रहा था पीछे से ले पर कह रहा चल कोई बात नहीं अंकल के साथ जाके जाम खुलवा भूसड़ी के जा मैं जाम खुलवाता हूँ जा अंकल के साथ जाम खुलवा गाइस अपना आ चुका है खाना हम आ चुके हैं कहाँ पे शिव टिक्की वाले पे और भाई का फेवरेट पाव भाजी और काठी कबाब फेवरेट नहीं है हाँ बट यहाँ की ज्यादा खाता है भाई ये अपना भाई का अड्डा शिव टिक्की यहाँ पर हम लास्ट कब आए थे लास्ट नहीं मतलब जब कार्ड हुए थे बर्थडे पे कार्ड हुए थे भाई यहीं कैसी लग रही है भाई टेस्ट है ऑसम नया का चलो गाइस खाना खा के मिलते हैं आपसे मतलब व्लॉग में मिलते हैं भीड़ बहुत होती है भाई यहाँ पे भाई और रामलीला वाले दिन तो भाई ओपी पर यहाँ पे गाड़ी सबसे बढ़िया है भाई अपनी गाड़ी वाड़ी लगाओ और मस्त खाने के लिए यहाँ पे फॉल स्टॉल होता है चलो खाते हैं फिर बात करते हैं। बुक्कड़ अभी तक खाना खा रहा है कितना खाएगा भोसड़ी के भाई जितनी भूखे उतना तो खाएगा ही तू तो साले अपनी भी छोड़ के चला गया तेरे भाई ने पूरा खाया अबे यार गाइस अभी एक लोल हो गया हमारे साथ बताएंगे बाद गाड़ी में बताएंगे गाड़ी में अभी नहीं बहन किरण बुक्कड़ का अभी भी रह रहा खाना कितना खाएगा so guys, क्या पीटी हो गई अब रोमियो अपने मुंह से ही बताएगा तुम्हें गाइस हर बार पता क्या होता था चूतियापन थी मैं ना काठी कबाब खाता था ठीक है हर बार तो मैं सोचता था बार बार जैसे मान के चलो मैं और मेरा दोस्त आए अब इसके टाइम पे तो मैंने 6 रुमाली ली 3 मैं खाऊंगा 3 ये खाएगा ठीक है जैसे लास्ट टाइम मैं और खाना आया था तो मैं 4 रुमाली ली तो उसने ना मेरे को 6 दे दी और हर बार मैं सोचता था कि भैंसों के हल्के 3 लेता हूँ 4 लेता हूँ ये भैन कौन 2 एक्स्ट्रा दे देता है और मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता मतलब कंफ्यूज नहीं मैं खुश हो जाता था यार 2 रुमाली है कितने रुपए की 30 रुपए की भैंसों लेकिन एक फ्री की चीज फ्री की होती है ना भैंसो तो खुशी आ जाती है मैं कहता था ओए यार इनने भैंसो आज भी फ्री में दे दी 2 रुमाली एक्स्ट्रा मैंने कहा देख खन्ने खा भैंसो ठीक है हर बार आज ना मैंने मोटे को भेजा रुमाली लेने अपन ने ली क्या 6 रुमाली मैंने कहा 3-3 हो जाएंगी दोनों काटी कबाब के साथ तो बहन जो अब पता लगा 2 रुमाली तो वो काठी कबाब के साथ ही देता है बहन गण को फ्री की रुमाली जो हम एक काठी कबाब प्लेट लेते ना एक प्लेट काठी कबाब उसमें दो रोटी उसमें इंक्लूड होती है तो भाई साहब अलग से 6 रोटी का टोकन लेते हैं ये अलग से 4 का लेते हैं यार भाई इतना बहन करना आज मेरा खून जला ना भाई ये तो कच्ची हो गई बहन की लोड़ी सोचा गाइस यार कि रोज मैं तुमको चूते बना देता हूँ 2 रुमाली फ्री में खाता हूँ मतलब रोज नहीं मतलब जब भी आता हूँ यहाँ पर 2 रुमाली फ्री में खा के जाता हूँ चूतिया खुद ही निकला तो कच्ची हो गई भाई आज तक गाइस मैं यार वहम में जी रहा था यार बहुत ही गंदा कटा यार मेरा वहम मिट गया भाई का वहम मिट गया अरे हर जगह ना काटे का आपके 2 रुमाली देते हैं मेरे को पता है ठीक है हमने मानी का दुर्गा पूजा में ठीक है देते हैं लेकिन मेरे को लगा यहाँ पर नहीं जो चूते बन गया यार क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादातर पाव भाजी खाता हूँ वो नहीं खाता हूँ काटी कबाब नहीं खाता हूँ भाई यार क्या बोले यार चलो अब जा रहे हैं हम वसीम वसील के पास वसीम नहीं बहन तो वसीम तो नाम सही लिया कर वसील के पास जा रहे हैं स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है जिनने अपने फोन पे WASEEL लिख रखी है तो आई वाला है ना वो W तो है ही नहीं भोसड़ी के वी वाला चलो कोई बात नहीं गाइस सही कर लेंगे हम स्पेलिंग चलो पहुंच के वहां पे मिलते हैं उससे मिलाते हैं तो हमारे साथ कौन ज्वाइन हुआ है फाइनली गंडुआ ज्वाइन हुआ है पापा ज्वाइन हुआ है इसका बेटे हां पापा बोल इधर इधर आके ले लो ना कह रहा मेरे काम से गया था इसका काम इसका इसका दल्ला बन के गया था इसकी गांड गिर गई लोड़े पैसे तो तू लेके आया है ना ओए मोटे का भी मैटर कैसे हुआ आज के ब्लॉग में हमने कुछ ज्यादा करा नहीं बस बातचीत करी आप लोगों से और थोड़ा बाहर बाहर गए खाने क्योंकि आज दिन में वो नहीं मतलब हम बाहर ही नहीं जा पाए थे दिन में पूरा एकदम बिजी हो गए थे सो गया था बल्कि मैं तो इनमें से कोई आया ही नहीं था अब कल के ब्लॉग में देखते हैं हम क्या करते हैं कल वैसे मैंने एक प्लान बनाया पहले से ही ठीक है तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे सेट कर देना तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ सभी को गाइस बाय बाय लव यू ऑल यार सभी को।